So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for political science based question answers. I hope this intro is going to be very fruitful for you. So Gunjan, welcome first of all. Thank you sir. Gunjan, aaj mere paas bahut se questions hai aapke liye. To sabse pehle mujhe aap ye bataiye ki Yojana Aayog ke bare mein aap kya jante hain? सर, योजना आयोग एक संविधान निर्मात्री संस्था नहीं है. संविधान के बाद इसका गठन किया गया था, 1950 में किया गया था. देश के सर्वांगीण विकास के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था. भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है. ओके, और मुझे बता सकते हैं कि पथ निरपेक्षता जिसे हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं उसका आशय क्या है? सर, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि देश का या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होएगा और राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा. ओके. और नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. राइट. प्रधानमंत्री का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट किस प्रकार किया जाता है? सर, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल द्वारा किया जाता है. Right. और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है. तो पहले दल द्वारा उसका निर्वाचन किया जाएगा और उसके बाद अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा. ओके. महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं देश के, उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है. और अगर हमारे राष्ट्रपति संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करे तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से मुक्त किया जा सकता है. ओके. राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. Okay. और यह सभी पक्षी में सुंदर पाया जाता है और यह भारत में आप देख सकते हैं कि हर जगह पाया जाता है और भारत के संविधान में इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो इस कारण इसके शिकार को प्रतिबंध करा गया है. ओके. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? सर, फर्स्ट तो ये है कि वह पहले भारत का नागरिक होना चाहिए. Agreed. और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए. ओके. और भारत की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए. राइट. और न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए. ओके. कैन यू डिफाइन पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? सर, पॉलिटिकल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. That is a theory of and description. Okay, it's a theory and description. Yes, sir. Okay, now my next question to you is, संविधान सभा से क्या तात्पर्य आपका? सर, संविधान के निर्माण के लिए जिस सभा का गठन किया गया था उसे संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता है. ओके. Who can remove the governor of state from office? सर, the president of India. Very good, बहुत बढ़िया. In which year Goa was formally assimilated in the territories of India? Sir, 1963. Okay. Which were the first two states in India which established in Panchayati Raj? 1956 में जिन्होंने establish किया था. Sir, it's Rajasthan and Andhra Pradesh. Good. Union budget is always presented first in which Sabha? कहाँ सबसे पहले, किस सभा में आता है, राज्यसभा या लोकसभा में? लोकसभा में. Very good. Who is the governor of fundamental rights enumerated in Indian Constitution? Supreme Court. Right to property was removed from the list of fundamental rights during the rule of Morarji Desai. Good, shabash. Who has the power to decide an election petition? High Court. Who is authorized to transfer the judge of one High Court to another High Court? The President of India. Okay. Who was the first President of India? Sir, Dr. Rajendra Prasad, the first President of India. वो लगातार दो बारी भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं. Okay. What is the heart of Indian democracy? Sir, इसकी Parliament, जो हमारे देश की संसद है, वो हमारे देश का हृदय भी है. Okay. और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी. Okay. भारत में संसद में कितने सदन हैं? सर, दो सदन है. ओके. लोकसभा और राज्यसभा. इनके बारे में कुछ बताइए हमें. सर, जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहा जाता है. ओके. और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है. राइट. और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. ओके. सरकार किसे कहते हैं?
सर, सरकार वो यंत्र है हमारे समाज का जो कानूनों का निर्माण करती है, उनको क्रियान्वित करती है और उनकी व्याख्या भी करती है। ओके, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूशन टेक, कितना टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने बनने में? सर, 2 years 11 months and 18 days। किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हाउ मच मनी स्पेंट, कितना पैसा खर्च हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? 63,96,729 रुपीज। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सर, इसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। वेरी गुड, इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर। डीएमके की स्थापना कब हुई थी? सर, डीएमके की फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। okay. और इसके स्थापना हुई थी 1949 में। व्हाट इज द एज ऑफ फ्रेंचाइजी इन इंडिया? सर, प्रेजेंट में तो 18 इयर्स है, लेकिन ये भी हमें 1989 में दिया गया है और उससे पहले इसकी एज 21 थी। वेरी गुड, लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होता है? सर, लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। okay. और अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। ओके, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर, 5 साल है और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको पद से हटाया भी जा सकता है। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किससे रिलेटेड है? सर, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। okay. क्योंकि हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। okay. और वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने राइट्स हैं एक बार बता दीजिए। सर, ये कुल मिला के 6 हैं, पहले 7 थे और अभी वर्तमान में 6 हैं। और ये हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, देखिए, मैंने आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग टेक्निकल, मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ गुंजन कोचर, आई एम अ टीचर, आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स इन 2013। आफ्टर दैट इन 2014 आई हैव कम्प्लीटेड माई बीएड। इन 2016 आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स। सर, माई हॉबीज आर कुकिंग, रीडिंग एंड एक्सपेंडिंग माई नॉलेज। वेरी गुड सर, माई वीकनेस इज आई एम ए लिटिल बिट क्रिटिक पर्सन। ओके, एंड माई स्ट्रेंथ्स आर पैशनेट, हार्ड वर्किंग एंड पंचुअल लेडी। ओके, मान लीजिए मैं आपको 2 चीज़ें देता हूँ, एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़, आप पहले किस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे? सर, अच्छी चीज़। तो ऑब्वियस है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में पहले स्ट्रेंथ्स बतानी चाहिए, उसके बाद आप वीकनेस। पर मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि आपको वीकनेस बतानी ही नहीं चाहिए अंटी अनलेस इंटरव्यूअर आपसे जब पूछता है। ओके, आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया, व्हाट इज द रीजन? सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहता है। okay. और इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वह धीरे धीरे चेंजेस होते जाते हैं और जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड पॉलिटिकल आप देखते हैं हमारे समाज में होती है, हमारी गवर्नमेंट से चेंज होती रहती हैं, तो इसमें भी क्या है कि बोरियत सी महसूस नहीं होती है। आफ्टर 5 ईयर्स हमें न्यू टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमारे टॉपिक्स भी थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। वेरी गुड, यानी कि क्रिएटिव आइडियाज है जो आपको बेहद, आपने बहुत अच्छा रीजन दिया पॉलिटिकल साइंस आपका ज्वाइन करने का। तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल हमारे देश का एक अहम हिस्सा है? yes, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पर मेरा मानना है पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम, ओनली सम डर्टी प्लेयर्स मेक इट वर्सर, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट इज रूलिंग एंड हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, सो इट इज वेरी नेसेसरी। आप मुझे ये बताइए कि आप टीचिंग लाइन में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, मुझे टीचर बनना पसंद है और शुरू से ही मेरा एम रहा है कि मैं एक टीचर बनूं। okay. क्योंकि जो टीचर होता है वो समाज का आधार होता है और बच्चे जो कि समाज की नींव होते हैं उन्हें विकसित करने में एक टीचर ही बेहतरीन योगदान दे सकता है। माता पिता के बाद एक गुरु का ही स्थान आता है एक बच्चे की लाइफ में, तो मैं एक बच्चे के परवरिश जो तो माता पिता करते हैं लेकिन उनके विकास में योगदान खुद देना चाहती हूँ कि समाज मेरे द्वारा जो बच्चों को पल्वित किया जाएगा और पुष्पित किया जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि उसमें मैं अपना योगदान दूँ। नाइस, आपने टीचिंग का सोचा, आपने पॉलिटिकल में
टॉपिक सोचा, आप मुझे ये बताइए कि आज आपका फर्स्ट डे क्लास में और पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाना है, तो आप फर्स्ट डे क्या टॉपिक पढ़ाना पसंद करेंगे बच्चों को और कैसे शुरू करेंगे? सर, पॉलिटिकल में मैं सबसे पहले उनको अपने राइट्स पढ़ाऊंगी कि हमारे समाज द्वारा हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, और उनके साथ ही कोरिलेट करके उनको हमारी ड्यूटीज भी बताऊंगी कि हमारे राइट्स तो हैं ही, लेकिन वो राइट्स हमें तभी मिलेंगे जब हम अपनी ड्यूटीज को भी निभाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपने चूज किया एज ड्यूटीज, आपने यही टॉपिक क्यों लिया, व्हाट इज द रीजन, यानी कि राइट्स और ड्यूटीज ही टॉपिक क्यों लिया आपने? सर, जैसे कि एक ह्यूमन नेचर है कि अपने राइट्स तो सभी को पता होते ही हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ हर कोई नहीं निभाता है, तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को चुना कि अगर अपने राइट्स तो सभी को पता होंगे तो बच्चे को पता होएगा कि हमें समाज में किस तरह से आगे बढ़ना है और कहाँ हमारे अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों के लिए अहम भाव भी नहीं आ जाना चाहिए कि ये हमारे अधिकार हैं तो हमें मिलने चाहिए। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ निभाएंगे तो ही वो अधिकार माने जाएंगे। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार माने जाते हैं। एक अपने कर्तव्य को निभाएगा तो ही दूसरे को अधिकार मिल पाएंगे। तो हम वही चीज हम पर भी लागू होती है कि हमें अपने कर्तव्य भी निभाने चाहिए और अपने अधिकारों की भी मांग करनी चाहिए। वेरी नाइस, आई होप द इंट्रो सेशन वाज गुड इनफ और बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे स्टूडेंट से। हम बताना चाहेंगे हमारे फ्रेंड्स को दैट वी हैव ऑलमोस्ट गिवन 500 वीडियोस फॉर यू ओनली ऑन टीचर इंटरव्यू। पर इसके साथ साथ आप पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज भी डेवलप करना चाहते हैं, देयर आर मोर देन 2100 वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टिसिपेशन, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू।